हेलो एवरीवन, टुडे शैल डिस्कस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज वाई, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये हमें करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हमें लेना है x। या फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेना है x। टोटल डिस्टेंस x इज x किलोमीटर। अब दिया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फेयर, राइट, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, राइट। यहाँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हमारे जो फर्स्ट जो किलोमीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का किलोमीटर, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 0 है फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड 3, 4। तो हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका फेयर है ₹8, राइट। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबसेक्वेंट जो है वह है ₹5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट किलोमीटर है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर होगा इक्वल टू ₹8 इंटू 1, यानी कि ₹8 कितना होगा, ₹8 होगा इक्वल टू ₹8 सबसेक्वेंट फेयर, ठीक है। सबसेक्वेंट डिस्टेंस का फेयर होगा सबसेक्वेंट फेयर। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 और अदर जो किलोमीटर ₹5 होगा पर किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर में तो चला गया, राइट। तो नेक्स्ट जो बच गया टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो टोटल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर मेरा चला गया, तब होगा x माइनस वन और पर किलोमीटर कितना है ₹5, x माइनस वन इंटू 5, ठीक है। तो x माइनस वन इंटू 5 और ये वाला हुआ मेरा ₹8। तो हमारा टोटल फेयर हमको कितना पकड़ना है, ये टोटल फेयर दिया वाई, टोटल फेयर इज वाई, ठीक है। तो देखिए हम ये टोटल फेयर हम निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर कितना है ₹8 होगा, ₹8 प्लस सबसिक्वेंट फेयर के लिए होगा x माइनस वन इंटू 5, ठीक। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। y का वैल्यू होगा 5x को पहले लेते हैं 5x, 8 माइनस 5 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया y = 5x + 3। अभी इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक दो पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट या थ्री पॉइंट्स भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट लेकर हम दिखाते हैं और ग्राफ भी आपको ड्रा करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंगे एक्स वाई, यहाँ पर हम ले लिए x और एक ले लिए y, हमारे दो पॉइंट यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है। लेट इसका वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू होगा 5 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि 0 प्लस 3 y का वैल्यू हो गया 3। तो x जब 0, y का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अभी हम और भी पुट करते हैं, लेट इसका वैल्यू हम लेंगे -1। माइनस वन लेने से क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा 5 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। y का वैल्यू होगा -5 प्लस 3, y का वैल्यू होगा -2। अब इसका वैल्यू हम -1 लेते हैं, y का वैल्यू होता है -2। तो दो पॉइंट मेरा आ गया, तो हम बहुत अच्छे तरह से एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, स्केल से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दो वैल्यू लेंगे 0, 3 और -1, -2।
सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है तो हम इसे यहाँ से ले लेते हैं, राइट। ये हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस, यहाँ पर लेंगे एक्स, यहाँ पर लेंगे एक्स डैस, और यहाँ पर जो है ये हम ले लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और ये जो पॉइंट वैल्यू है ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, फर्स्ट वैल्यू है 0, 3, 0, 3, ये पॉइंट मेरे मन मिल गया 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट है -1, -2, नेक्स्ट पॉइंट है -1, -2, ये वाला पॉइंट है -1, -1 और -2, ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा -1 और -2, ये वाला पॉइंट एक्स का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है -2, ये वाला पॉइंट। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमारा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, राइट। ये वाला हम पॉइंट लेंगे और इसे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक। ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे और इसे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू 5x+3, यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x+3, 5x+3, दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू 5x+3। इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।